तो हमने बोला भी था कि कोई डिटेल होगा तो आप उपलब्ध करा दीजिएगा। विजय चौधरी जी ने भी कहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको देखते हुए टीम भेज भी दिया है। तो हम लोग तो इस मामले को, अगर कोई बात है इस तरह की, तो हम लोग क्योंकि दो चार न्यूज़ चैनलों में देख रहे हैं, कुछ मजदूरों का जो बयान है वो देख रहे हैं कि भाई रेलवे स्टेशन के बाहर जो बातें आ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तमिलनाडु मामले को लेकर बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ गई है, बिहार की राजनीति में बवाल है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर एक तरफ जहां आक्रामक है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी पलटवार की मुद्रा में हैं। इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने जो कुछ भी कहा है वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बीजेपी भी तेजस्वी यादव के निशाने पर है, तो सुनिए इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि वर्कर्स कह रहे हैं कि हम लौटेंगे नहीं वहां से, वर्कर्स जो आ रहे हैं वहां से टीम को जाने दीजिए। टीम गई है, जब टीम गई है जो रिपोर्ट होगा उसके आधार पर जो है आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उसमें कहा है, हमने तो उस समय भी विधानसभा में ये कहा था कि उस समय भी पूर्व में डीजीपी का जो बयान था वो हमने वहाँ का पढ़ के भी सुना दिया था विधानसभा में, और ये भी विपक्ष को कहा था कि अगर कोई इसके अलावा भी बात होगी तो सरकार जो है इसको टॉलरेट नहीं करेगी, चाहे यहाँ की सरकार हो या वहाँ की सरकार हो। तो जो बातें उठी थी तो हमने बोला भी था कि कोई डिटेल होगा तो आप उपलब्ध करा दीजिएगा। विजय चौधरी जी ने भी कहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको देखते हुए टीम भेज भी दिया है। तो हम लोग तो इस मामले को, अगर कोई बात है इस तरह की, तो हम लोग क्योंकि दो चार न्यूज़ चैनलों में देख रहे हैं, कुछ मजदूरों का जो बयान है वो देख रहे हैं कि भाई रेलवे स्टेशन के बाहर जो बातें आ रही हैं, तो इसमें सरकार गंभीर है, तभी तो टीम भेजा गया। दूसरी बात, एक अखबार है उसमें बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका जो है बयान जो है वो छपा है, उनका बयान जो है वो छपा है। तो उसमें ये कहा गया है उस बयान में कि जो बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को फोन किया और वो प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई घटना वहाँ नहीं हुई, और ये बात जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बताई गई है। हालांकि फिर भी कौन क्या बोलता है नहीं बोलता इससे हम लोगों को मतलब नहीं, लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई को पता करते हुए जो है हम सभी लोग जो है, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम को भेजा है, जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो अग्रसर जो है कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ हम लोगों की सरकार के बात करने का ये फल निकला कि जो भी मजदूर अगर वहाँ सहमे हुए हैं या डरे हुए हैं, तो दो जिलों का जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने 5-6 नंबर जो है वो उपलब्ध करा रखे हैं, कोई भी अगर कोई फंसा है कहीं तो इमिडिएटली जो है उस नंबर पे कांटेक्ट करके जो है अपनी बात को रख सकता है, तो सरकार वहाँ की जो है कार्रवाई। बिहार के लोग वापस जा सकते हैं तमिलनाडु में, तो ठीक है होली का त्यौहार है वो आ रहे हैं, वापस क्या वो जा सकते हैं? नहीं नहीं, क्यों नहीं, एकदम जाना चाहिए। और हम तो कहेंगे देश में कोई भी कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। अब यही हम सवाल उल्टा